पर कोई गिलास नहीं है, कोई शीशा नहीं है इसमें दोस्तों। और यहाँ पर बहुत तेज तेज हवा चल रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ की जो है धूल मिट्टी होती है दोस्तों, वो ऐसी होती है कुछ वैसे। देखिए दोस्तों गर्मी भी हो रहा है, गर्मी भी पड़ने लगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। ये देखिए दोस्तों, आज मैं यहाँ साउथ ग्राम में अपने जेसीबी से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये यहाँ पर इसकी खुदाई कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए कितना लंबा खुदाई है, वो इसकी मैं आज यहाँ पर खुदाई कर रहा हूँ दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कितनी तेज तेज हवा चल रहा है, पूरा धूल मिट्टी आँखों में आ रहा है। आपने तो मेरा जेसीबी देखा ही होगा दोस्तों कि पूरा जेसीबी मेरा खुला ही है। और जब मैं खुदाई कर रहा हूँ तो दोस्तों बहुत ही धूल मिट्टी मेरी आँखों में आ रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है आज काम करने में मुझे। और देखिए दोस्तों इधर जो है कुछ कंपनी काम कर रही है, ये बड़ा तो साउथ अरब में कोई बिल्डिंग बनने वाली है। इधर बहुत ही तगड़ी बिल्डिंग बन रही है दोस्तों ये। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसमें मशीनें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं इसमें। और देखिए कितना बड़ा ये मार्केट बनने वाला है या बिल्डिंग बनने वाला है, वो तो मुझे पता नहीं है यानी क्या बनने वाला है। देखिए बहुत सारी मशीनें इसमें काम कर रही हैं और वर्कर लोग भी इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों। उधर दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में, ये ज़्यादा दूर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसलिए दिक्कत हो रही होगी देखने में। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं इसमें। और देखिए कितना इसमें लोहा आ रहा है, लोहा भी बहुत लग रहा है दोस्तों। उधर मशीनें कुछ काम कर रही हैं। और दोस्तों जब सऊदी आदमी कोई अपना घर बनाता है तो बहुत ही लागत लगाता है दोस्तों उसमें, पूरा लागत अच्छे से नीचे ही लगा देता है। इतने में तो हमारा इंडिया में मकान बन के तैयार हो जाएगा। चलिए जेसीबी जो है दोस्तों खुली है, खुली होने के बाद दोस्तों बहुत ही धूल मिट्टी आ रही है इसमें आँख में, आज बहुत धूल उड़ रही है। देखिए यहाँ की जो है धूल मिट्टी होती है दोस्तों, वो ऐसी होती है कुछ अपने इंडिया की जैसी नहीं होती। यहाँ पर जो है सऊदी अरब में दोस्तों मिट्टी जो है रेत वाली होती है, रेत। ये देखिए छोटा छोटा बारीक रेत है दोस्तों, मिट्टी नहीं है यहाँ पर। अपने इंडिया में तो दोस्तों बहुत ही कठिन कठोर मिट्टी होती है, यहाँ पर रेत है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब में जो है अपना बहुत लागत लगाते हैं नीचे, और नीचे ही लागत लगा देते हैं सबसे ज़्यादा, बहुत लोहा लगाते हैं। देखिए गाड़ी पे गाड़ी आ रही है इधर, उधर बिल्डिंग में जाने वाली है। और देखिए इधर जो है कुछ सऊदी अरब में अगैरा वगैरह मार्केट रोड की स्थिति बनी हुई है, दुकानें बनी हुई हैं और रोड भी चल रही है दोस्तों। और इसी रोड के साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ तो दोस्तों इसमें जो है जब भी मैंने खुदाई किया है तो जैसा उधर सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है ना, तो ऐसे ही इधर लगेगा पूरा दोस्तों। फुटपाथ बनने वाला है इधर भी, तो आज मैं इसका खुदाई कर रहा था तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोस्तों। देखिए जेसीबी भी वो है, जेसीबी में पूरा धूल मिट्टी जा रहा है, कचरा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पूरी खुली मशीन है ये। देखिए कितना मुश्किल होता होगा जेसीबी में, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, फिर दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों जब मैं इसकी खुदाई कर रहा हूँ ना, तो बहुत धूल मिट्टी आ रही है आँख में मेरी आज, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से देखिए दोस्तों गर्मी भी हो रहा है, गर्मी भी पड़ने, तो सोचिए मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये देखिए दोस्तों मैं अपनी जेसीबी से ऐसे खुदाई करने में लगा हुआ हूँ आज यहाँ पर, इस तरीके से मैं आज यहाँ खुदाई कर रहा हूँ दोस्तों। और तो देखिए मेरा जेसीबी आपको नज़र आ रहा है, पूरा खुला दिया गया है यहाँ पर, कोई गिलास नहीं है, कोई शीशा नहीं है इसमें दोस्तों। और यहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रहा है दोस्तों, और पूरी धूल मिट्टी मेरे अंदर केबिन में जा रही है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है आज मुझे काम करने में, आज भी नहीं खुल पा रही है और बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रहा है। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, पूरा जेसीबी आपने मेरा नज़दीक से देखिए कैसा जेसीबी है, इसमें आपको एक भी शीशा नज़र नहीं आ रहा होगा, पूरा खुला जेसीबी है। और इधर मैं काम कर रहा हूँ और हवा भी मेरी साइड को चल रहा है, तो हवा चलते चलते दोस्तों पूरा धूल मिट्टी मेरी साइड मेरी आँखों में ही आ रहा है, बहुत ही मुश्किल होता है। और ये देखिए दोस्तों जब मैं इस मशीन से मिट्टी लेबल करता हूँ तो मिट्टी भी मेरे को लोड ही लेबल करना पड़ता है दोस्तों,
और देखिए जब मैं मिट्टी लोड लेवल करता हूँ तो देखिए कितना धूल उड़ता है, कितना धूल उड़ा है यहाँ पर। देखिए पूरा का पूरा धूल मिट्टी मेरे केबिन में गया है दोस्तों, और ये मेरे मुंह में, आँख में, नाक में, सब में भर जाता है। बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों जेसीबी को मुझे चलाना, क्योंकि एक भी गिलास नहीं दिया गया है इसमें, एक भी कांच नहीं है, चार तरफ से खुला है। देखिए कितना धूल उड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। और देखिए इस जेसीबी से मुझे सब कुछ करना पड़ता है, खुदाई भी करना पड़ता है दोस्तों, और लेवल भी करना पड़ता है। और देखिए धूल मिट्टी का काम है तो इसमें गिलास तो देना ही चाहिए था, कांच तो लगाने ही चाहिए थे दोस्तों, एक भी कांच नहीं है इसमें। और देखिए दोस्तों सऊदी अरब में आपको सभी टोटल जेसीबी ऐसा ही मिलेगा, किसी में गिलास नहीं लगा रहता, यहाँ पर किसी एक आदमी ही मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सब बिना गिलास के ही जेसीबी मिलता है, एक भी कांच नहीं लगा रहेगा यहाँ पर सऊदी अरब में। सबसे ज़्यादा जेसीबी ऐसे ही मिलता है। तो देखिए धूल मिट्टी का काम करने वाली जेसीबी में तो गिलास होना ही चाहिए दोस्तों। ये देखिए मेरे प्यारे भाई लोगों, अगर ये वीडियो देखकर आपका दिल में थोड़ा सा भी जगह बना हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर इतना तो हम परदेसी के लिए बनता ही है, प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ दोस्तों।